हमें धोखा देंगे। छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद जो आम लोगों के लिए आपके लिए बजट था उसमें उन्होंने अपने आप को उस बजट से दूर रखा। अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती, आप लोगों के जो लिए हम योजना लाए थे वो धरातल पर ना उतर पाती। हमने हिम्मत नहीं हारी। आज जो वो छह विधायक है चोरी छिपे इधर से उठकर उधर जा रहे हैं, कभी ललित होटल में रह रहे हैं, कभी ऋषिकेश के ताज होटल में रह रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में जो डर है वो छिपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। जहां ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जनता की वोट से नहीं जीत सकते, जहां ये जनता की वोट से नहीं जीत सकते वहां नोट के बल से, वहां नोट के बल से लोकतंत्र के में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। अब नोट के बल से जो लोग चुनी हुई सरकारों का काम कर रहे हैं क्योंकि जनमन ने उनका साथ नहीं दिया, जनता उसको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि जो बिकाऊ विधायक होते हैं, जो जनता के बल पर जीत कर आते हैं और नोट के बल पर बिक जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को आप लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। इसका असली जवाब लोकसभा के चुनावों में मिलेगा। आप चुनावों में जवाब दीजिए। यह मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी नहीं है, मैं तो 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस पर पहुंचा हूं। ये आप लोगों की कुर्सी है, आपकी सेवा की कुर्सी है। इस कुर्सी को आप अपना सोचिए, क्योंकि जिस दर्द को मैं जानता हूं वो दर्द आपके दिल में भी है, जिस पीड़ा को आप रोज सहन करते हैं वो पीड़ा मेरे सीने में भी है। और ये कोई दोराय नहीं है, जिस दिन इस देवी देवताओं की भूमि में जनता के बल पर चुनकर आने वाले लोग नोट के बिल पर बिक जाएंगे, समाज का कभी भला नहीं होगा। हमें ऐसे तथ्य मिले हैं जहां करोड़ों रुपए की राशि चढ़ाई गई है वोट आपका और अपनी सुख सुविधा के लिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। इस लोकसभा चुनाव में जब जाएंगे आप ये सोचकर जाइए कि जो लोग नोट के दम पर, पैसे के दम पर, धन के बल पर अपनी राजनीति करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जनता के बिल पर, जनता के बोर्ड से जीत ना सके तो नोट के बल पर सरकारें गिरा दे, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ चुका है। ये आपके हित में है। हम लोग तो बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपकी सेवा न करें। हम इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े मकान चाहिए, बड़े बड़े महल चाहिए। हम आप लोगों से उठकर आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। दो बजट देख लीजिए, दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया वो आम लोगों के लिए, जनता के लिए था। सिटी चैनल के लिए दारला घाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।